आंसू दिल थमा कर रहे हैं। आ हुसैन तुम भी चले, ए हुसैन सबने बाबे वफात तक दे दी, आप भी चले। और हजरत हुसैन सबको खुदा हाफिज कहकर जा रहे हैं। ए तेरा मत खबरो अगला मदान की बारगाह में खाना है। अरे अभी यदि हमने नाना जान को ख्वाब में देखा, नाना जान फरमा रहे हुसैन गम मत करो, परेशान मत हो, सब्र करो, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अल्लाह नाना जान को तजर है, वहां दावत अफ्तार दी जा रही है, साथी कौशल वहां मौजूद है, सात अफ्तार होगी, कौशल का जाम मिलेगा। अरे जिसके होठों तक कौशल का जाम मारा हो, जिसके सदके सारी कायनात को कौशल का जाम मिल रहा हो, वो फराक को क्या देखेगा, वो इन दुनिया के पानी को क्या देखेगा। आप आए मेरे अजीज और मेरे दोस्त, यजीदियों ने अंदाजा कर लिया कि इन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। अगर एक एक करके अगर हम इनसे लड़ते रहे तो कर्बला की सारी फौज कट जाएगी, लेकिन हुसैन पर काबू नहीं पाया जा सकता। उन्होंने एक मिल करके चारों तरफ से वार किया, तीर भी चल रहे हैं, खंजर भी चल रहे हैं, नेजा भी आ रहा है, और एक हुसैन है। अल्लाह हु अकबर, भारत होता मेरे दोस्तों तो चिकना चूर हो जाता, लेकिन हुसैन की सिखामत है खड़े हुए, चारों तरफ से तीरों की जनखार है, चारों तरफ से तीरों की बारिश है। अल्लाह अल्लाह, जब जख्मों से चूर हो गए, शहादत की मंजिल सामने आ गई, शहादत की दुल्हन मुस्कुराती हुई इस्तकबाल करना चाहती है, खड़े हो गए कि एक तीर आया और पेशानी पर लगा। आपने पेशानी से खुद उस तीर को निकाला, खून के फव्वारे निकले, दाढ़ी और जिस्म खून से शराबोर है, ये जन्नती दूल्हा नौजवाना ने जन्नत का सरदार मैदान कर्बला में आज आले हुसैन का खून बहा, आज आले हुसैन के खून से हुसैन अपने खून से नहाया हुआ। और इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगो अब मैं नाना जान की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, मैं इसी खून को दिखाऊंगा और इसी मंदिर को दिखाऊंगा। नाना जान ये नाम लेवा मुनाफिक और खबीस उम्मत, ये कलमा पढ़ने वाली उम्मत है, नाना जान का नाम लेने वाली खबीस दुनियादार मुनाफिक उम्मत, इन्होंने मेरा हाल किया। मेरे अजीजों के दोस्तों, इतने में हजरत हुसैन का जिस्म जमीन पर आया। अल्लाह अल्लाह, कुदरत ने देखा कि ए हुसैन और ए नबी मोहतरम, इस जमीन पर जितनी कुर्बानियां हुई थी, यहाँ कुल्लत इब्राहिमी भी है, यहाँ हजरत इस्माइल की कुर्बानी भी है, जितनी दास्तान थी वो सारी दास्तान अब मुकम्मल हो गई। अल्लाह अल्लाह, मेरे अजीजों मेरे दोस्त, हुसैन मैदान कर्बला में जमीन पर तशरीफ रखते हैं, यजीदी समझ रहे हैं कि उन्हें फतह हो गई, लेकिन कुदरत का फैसला यह है कि यजीद हमेशा के लिए खत्म हो गया, यजीदियत खत्म हो गई, और इस्लाम का वो शटर, इस्लाम का वो पर्दा जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्के में लगाया था, मदीने में ये पौधा बढ़ा, हुसैन ने अपने खून से इस शटर को सदा बहार कर दिया। अब ये शटर कभी मुरझाएगा नहीं, अब ये फूल कभी मुरझाएगा नहीं, इसमें फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, फूल भी खिलेंगे। मेरे दोस्तों, कतले हुसैन असल में मर गए यजीद थे, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के नाम। मैदान कर्बला में जो कुछ हुआ उसने हमेशा के लिए इस्लाम को मेरे अजीजों मेरे दोस्तों जिंदा कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आखिरी संदेश दे रहा हूं, और वो ये कि आप देखेंगे कि सब्र, इस्तिकामत, मजबूती, हक और सच्चाई के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान और अपने घर वालों की जान खुदा की बारगाह में पेश कर दी। इमाम हुसैन शहीद है, खानदान नबवी शहीद है, और शहीद मरता नहीं, वो जिंदा है, और सिर्फ वो जिंदा नहीं होता बल्कि जिस मकसद के लिए वो जान देता है वो मकसद जिंदा हो जाता है, वो तमन्ना जिंदा हो जाता है। आज इस्लाम जिंदा है इसलिए कि हुसैन जिंदा है। ए हुसैन,
سلام ہو آپ کے ایثار پر، اے حسین درود ہو آپ کے نانا جان پر، اے حسین درود ہو آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ملت اسلامیہ کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، پریمیوں کو، آپ کی قربانی کا کچھ حصہ ملے ہمیں بھی، وقت پڑھنے پر حق کے لیے اور سچ کے لیے اپنا دین، اپنا دھرم، ملک، ملت کے لیے ہمیں بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسینیت زندہ باد، اسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سنی رازی انٹرنیشنل زندہ باد۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بلندی کے لیے امام حسین علی مقام نے اپنی جان دے دی، تو عرض کرو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خدمت کے کرسی رہے آئے